देश में कोरोना मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और योगी सरकार के सारे इंतजामों की सच्चाई भी अब सामने आने लगी है। अभी तक देखने को मिलता रहा है कि जनता और विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही थी और उनके इंतजाम की पोल खोल रही थी, तो केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे जनता और विपक्षी पार्टियों को झूठा ठहरा रहे थे। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि हमारे देश के अस्पतालों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि आज कोरोना मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, उन्हें बेड तो छोड़िए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता अरुण गोयल ने बताया कि वो खुद बीजेपी कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्हें ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अरुण ने बताया जिस तरह से योगी सरकार और केंद्र सरकार ढिंढोरा पीट पीट कर ये कह रही है कि हमने पूरी तरह से सही इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अस्पतालों में बेड तक की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सब खोखले दावे सरकार कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी भी ना तो लोगों को इलाज मिल पा रहा है और ना ही ऑक्सीजन। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।